वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लीगल चाय टाइम और हम बात कर रहे हैं आज करप्शन की और करप्शन में लीगल सिस्टम का क्या हाथ होता है, किस तरीके से उसे रोकथाम कर सकते हैं और लीगल सिस्टम में अगर करप्शन हुई तो वहाँ पे कैसे पकड़ी जाएगी, ये क्वेश्चन भी हम उठाएंगे इसी शो में। लेकिन इसके साथ साथ दो और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के हवाले से निकाले थे। सबसे पहले तो ये है कि लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करप्ट तरीन महकमा, अदलिया करप्शन में छठे नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है। क्या कर रहे हैं आप ये? वेरी बैड। अदलिया की हमने बात की और वो छठे से चौथे नंबर पे आ गई। इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरनाक करप्शन जहां देखी जाती है वो है इनकम टैक्स। कोई वैसे इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। कस्टम्स एंड देन देयर टेंडरिंग। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जी, अगर आप कराची में रहते हैं तो इस बात का अंदाजा तो आपको एक बारिश के बाद हो जाएगा। अगर कल सड़क बनी और बारिश हुई, दो दिन में वो सड़क बर्बाद हो जाएगी और वो सड़क काफ़ी मिन्नतों और जिद्दतों के बाद बनती है। लेकिन पता नहीं किस किस्म का दो नंबर माल लगता है कि हमारे ब्रिजेस गिर जाते हैं। कल रिमेंबर शेषा ब्रिज जो गिरा था, कितना बुरा हाल था। कितने मर गए थे उसमें, कल भी लोग मर गए थे और उसके बाद कॉल ले रहे। अच्छा, हमें कॉल लेनी है। अच्छा, कॉल लेते हैं और फिर हम मजीद करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन। खैर, हमारा सवाल बहुत आसान सा है ना, ये कि करप्शन कोई करना चाहे तो वो करेगा या नहीं, मौका मिले तो करेंगे या नहीं। कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर जी, फैज साहब से सवाल करना है। जी फैज साहब जी, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा मजाही है, मगर आप थोड़ा सीरियस जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझे अगर मिले तो मैं तो करप्शन करूंगा। अच्छा, ठीक है, और मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो आप मेरे वकील बनेंगे? बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। जाहिर है वकील का तो काम यही है ना कि आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो जाके प्लीट कर देंगे। अब जज माने तो मान ले, नहीं माने तो ना सही। समझ गए ना, अंदर तो आप ही जाएंगे। इस वक्त में जज भी थे ना। किसी जमाने में आप जज भी थे। मैं जज रहा हूं जी। लेकिन आप कब किस चीज में करप्शन करेंगे मुझे बताएं। करना चाह रहे हैं करप्शन। अच्छा, इसे मेरी बात बताएं, आप किस सेक्टर में करप्शन करना चाहते हैं? वैसे पहले बता दें, जल्दी थोड़ा सा आइडिया हो, हमें भी आइडिया मिले। अच्छा, वैसे आपका पसंदीदा सेक्टर कौन सा है? जहाँ हाथ लग जाए। क्या सही पाकिस्तानी वाली बात है। जाने आप। अच्छा सुने, कभी आप अगर शेर लतीफा सुनाइए। सुनाएंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। और देखिए, ये हम जो कह रहे थे ना शुरू से कि हर कोई ये कहता है हम नहीं करना चाहते, बट ये कि कहीं ना कहीं सबके दिलों में जो है ना ये एक चीज है कि क्योंकि इस वक्त उन्होंने एक गुदगुदी तो होती रहती है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात की थी, मजबूर भी है लोग, ये ना कि अट्रैक्शन तो है। हां, है तो, लेकिन अब वो ज्यादा मनी। हाँ, आप शेर याद कर, मैं कॉल ले लेती हूं। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम आप? ठीक ठाक, आप कौन बात कर रहे हैं सर? आप कौन हैं? मैं एडवोकेट कराची से बात कर रहा हूँ। एडवोकेट साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। कि ख्वाजा साहब, अगर स्टील मिल का चेयरमैन या सीआईए का एमडी या और जो लोग करप्शन कर रहे हैं, अगर इनको करप्शन में इनको खत्म करने के लिए, जमानत करने के लिए कौन सा वकील सबसे पहले आता है? जो वकील उंगलियों पर गिने चुने हैं, जो पाकिस्तान से कभी भी ये वकील हजरत करप्शन खत्म नहीं होने देंगे, उसमें ख्वाजा नवेद साहब खुद सर फहरिस्त है। अगर इनका चेयरमैन पकड़ा हुआ आएगा तो ख्वाजा साहब सबसे पहले 50। देखिए, बात यह है कि वकील का तो प्रोफेशन यह है कि देखिए, एक आदमी सात कत्ल करके भी आता है तो वो कहता है मैंने लॉयर एंगेज करना है, तो आप अगर उसका ब्रीफ एक्सेप्ट करते हैं तो आपने जो वो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके मुताबिक आपने प्लीड करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात कई लोगों का उसूल होता है, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं ये वाला केस नहीं लूँगा, तो फिर वो वाली प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हैं, वो दूसरे केसों में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं, या तो वो फिर अगर प्रोसिक्यूशन के लॉयर बन जाएँ तो नेचुरली दे प्रूव टू बी वेरी गुड लॉयर्स और वो सजा करवाना चाहते हैं। अच्छा, जो डिफेंस काउंसिल बनते हैं वो अपने क्लाइंट का केस प्लीट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भाई उसको जो भी लॉ के अंदर मैक्सिमम जो रियायतें मिल सकती हों वो मिल जाएं। ठीक है, इसी के साथ आपका दुरुस्त सवाल था। दुरुस्त सवाल था। खैर, इसी के साथ एक और कॉल ले लेते हैं और फिर हम बात करेंगे, इस बार हम कॉल नहीं लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, मैं आयशा की बेटी फातिमा हूँ। कैसी हो फातिमा? क्या हाल है? बिल्कुल करप्टेड नहीं हो तुम तो। बहुत जाई लगी है हमेशा की तरह, मैं आपसे बात करने का बहुत 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 दिल कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। अपने जहाँ तुम जाती हो, क्या स्कूल है, क्या है वो एकेडमी? नहीं गई तुम? नहीं, वो आज मेरी ऑफ थी, हमारे टेस्ट हो रहे हैं ना, तो इसलिए आज मेरी एकेडमी ऑफ थी, तो मैंने आज आपसे कॉल किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट फातिमा। थैंक यू सो मच। और मैंने आपसे आपका ना आज का क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या रखो बताओ? ये रखते हैं कि कौन से वो कौन सा महकमा है जिसमें अगर हम करप्शन खत्म कर सकते हैं तो हम करते हैं। ऐसा कौन सा महकमा है बताओ? फातिमा, क्या बात है भाई, वेरी नाइस। एजुकेशन
लेकिन बेटा आपने बहुत ही अच्छी बात की, अगर एजुकेशन में करप्शन खत्म हो जाए तो लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए और बहुत से महकमों में ऑटोमेटिक करप्शन खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात की बेटा, जीते रहो। अच्छा हमें, अगर आपने हमारा क्वेश्चन सुना था फातिमा, आप बताओगी पाकिस्तान कौन से नंबर पे? 105, 106, 107 अगर हम दुनिया में देखें उसको तालीमी लिहाज से, लिटरेसी 105, 106 या 107 नंबर पे पाकिस्तान आएगा अगर हम उसको लिटरेसी के हवाले से देखें तो? 106 बोलती हो आप? अच्छा चलो ठीक है, 250 तो नहीं है ना? हर सेक्टर में करप्शन है तो हर टाइप की करप्शन होती है, तो हर टाइप की करप्शन के लिए हर टाइप की सजा होती है या एक ही? नहीं, वो सेक्शंस है ना, जिस तरह तो अप्लाई कौन करता है और कब करेगा। प्रैक्टिसेस जो है अब वो आर्टिकल 9 है एहतसाब का, तो उसमें 14 साल तक की सजा है, तो वो फिर सबके लिए ही है। अगर जमीनों की करप्शन करके आते हैं 9C में तो उनको हो जाती है, हेल्थ करप्शन में, अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट से ये टीके बेचते हैं करते हैं वो भी उसी में 9 में आएंगे, वो एक ही सेक्शन है उसी में आएंगे। और अगर एंटी करप्शन कोर्ट है तो उसमें सेक्शन है 5(2) सब सेक्शन 2 ऑफ एंटी करप्शन एक्ट, तो उसमें भी जो 7 साल सजा है तो फिर वो चाहे। अच्छा, केसेस कब तक चलते हैं? देखिए हमारे एक है जिसपे कराची में एक जगह है जो कि डैश सर्कल के नाम से भी बहुत मशहूर है, नैब ने ग्रुप ने काफी बड़ा किया था। नैब ने पिछले दिनों में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और मुशर्रफ के शुरू के दौर में, और बहुत तेज केसेस भी चले थे और बड़ी सजाएं भी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो NRO कल्चर आ गया और फिर वो आ गया, फिर सारे केस खत्म होने शुरू हो गए, उसके बाद नैब एक्टिवेट हुआ ही नहीं। आप देखें फिर दोबारा कहते हैं कि उसको कुछ कर रहे हैं। आई होप कुछ अच्छा सा कर लें, थोड़ा सा करप्शन की बात हो रही है। एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मसूद बोल रहा हूँ लाहौर से। मसूद साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ऐसा है कि ख्वाजा साहब और आप दोनों से भी मैं ये जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जी जी, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि करप्शन के बारे में डिस्कस हो रहा है माशाल्लाह। मैंने 40 साल सर्विस की है जी मसूद साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपए का मैं कम से कम अपने तौर पर मैं कसम दे सकता हूँ कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की, जबकि मुझे ऐसा ऐसा भी मौका मिला कि केस में 50-50 लाख भी मैं ले सकता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब मुझे भर्ती करवाया था तो 2 डिपार्टमेंट थे, सिफारिश थी पाकिस्तान के बहुत बड़े बंदे की, एक हबीब बैंक था और एक था कस्टम, उन्होंने कहा अप्रेजिंग ऑफिसर करवा देते हैं। ख्वाजा साहब ये 69 की बात है। अच्छा, सही। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, महकमा ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरा बेटा ईमानदारी से जिंदगी गुजारना चाहे तो गुजार सके। गुड। और मैंने फिर उन लफ्जों को निभाया 40 साल। माशाल्लाह, अब मैं जॉबलेस भी हूँ और पेनीलेस भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ईमान है, अब पता नहीं ये अल्फाज यहाँ अच्छे लगेंगे या नहीं, मेरा ये ईमान है कि सरकारी खजाने पे जो बेईमानी या करप्शन करके पैसा कमाना या माँ बहन और बेटी से जिना करना वो बुरा है, ये कम बुरा है। मैं माजरत के साथ ख्वाजा साहब। सर देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं आपको एक बात बताऊं सर, के जो हिडन फवायद होते हैं ना ईमानदारी के, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी औलाद अच्छी पलती है, आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होता है, आपको बीवी अच्छी मिलती है, आप कभी बीमार नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे वाले साहब ऑनेस्ट आदमी थे, तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उनको ये सारी खुशियां दी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गरीब थे, अमीर आदमी नहीं थे, और बड़ी खुशी से वो उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो अच्छा, लालच की तो आप देख रहे कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। और फिर आप उन लालच वालों को देखें, अल्लाह माफ करे कि फिर उनके अस्पतालों के भी चक्कर लग रहे हैं और जेलों के भी लग रहे हैं, जिंदगी टेंशन और सारी जिंदगी टेंशन, और रात को 8 गोलियां खा के सोते हैं, और ऑनेस्ट गरीब आदमी पानी पी के सोता है, ऐसे नींद आती है कि फजर पे आंख खुलती है। मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत वो कही कि वो इस वक्त उनके पास जॉब नहीं है, पेनीलेस है। एक पहली कॉलर भी आई थी, उन्होंने भी बात कही थी कि इंसान मजबूर है सर, जिस किस्म के हमारे हालात हैं लोग करप्शन करने में बहुत सारे लोग मजबूर भी हो जाते हैं, महंगाई, बिजली के बिल, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ज़ायला एक और कॉल। आप कह रही थी ना शेर सुना दें मुझे, मुस्तफा जैदी का शेर याद आया थोड़ा सा। कॉल है हमारी लाइन पर, आप रहिए कॉल पे, हम शेर के बाद कॉल लेंगे। जी जी हाँ जी, मुस्तफा जैदी का था, जब उनको 303 अफसरों में निकाल दिया था तो उन्होंने कहा हदीस है कि गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर बरसाने वाले, खुद अपनी आंख के शहतीर को तो देखें, हमारी आंख के तिनके निकालने वाले।
कभी कभी बेगुनाह लोग भी रगड़े जाते हैं, तो ये भाई साहब ने जो बात कही कि एन ऑनेस्ट मैन, और फिर तो मुस्तफा रेड्डी के दुनियावी आपके साथ बिल्कुल बता रहा हूँ, हमारे कोर्टों में ऐसे ऐसे पेशकार हैं आठ आने नहीं लेते, और दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, वेरी गुड। ऐसे लोगों को तरक्की दे और भाई उनके साथ भी अच्छा हो, इसी दुनिया में भी अच्छा हो। इसी के साथ एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों और आपके मेहमान? माशाल्लाह, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगी कि कौन पाकिस्तान का ये कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ करप्शन नहीं है? सही बात है, हर शोबे में करप्शन है। जो गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि अगली दफा हमें इलेक्ट करें और हम आगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो हर कोई ये कह के खाले पीले मौज उड़ा ले और वो सब कुछ गवर्नमेंट तो छोड़े, दूध वाला भी दूध में पानी मिला देता है, सब्जी सब्जी वाला भी वो डंडी मार देता है। एक दर्जन किलो की जगह 11 है, वो यही कहा जा रहा है। अरे बता रही है उन्होंने एक दर्जन किलो खरीदे तो 11 है, और बड़े बूढ़े से बाबा है जिनसे मैं लेती हूँ, 11 दिया था उन्होंने, मैं काउंट भी कर रही थी घर बाबा की गलती। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, देखे ना, अगर बाबा से गलती होती तो 13 भी डाल सकते थे, मगर 11 डाले। जी जी जी, जवाब देंगे जी, 107 आपका आंसर है, 107 पे है हमारी कंट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और अपने कॉल्स करते रहा करें और हमें सजेशंस दिया करें, आप लोगों की इनपुट से ही चाय टाइम चलता है। जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान, वो तो खैर कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं ताली 2-3 महीने में करप्शन हम खत्म कर देंगे अगर हम आए। किसने कहा था? इमरान खान साहब। एक महीना इज व्हाट, 10 इयर्स का महीना। जी, फिर हम बोलते हैं कि लोगों को जब नहीं पता पॉलिटिक्स तो वो पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। हम एक और कॉल ले लेते हैं, फिर मैं ख्वाजा साहब से वो क्वेश्चन जो मैं बता बोल रही हूँ पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी गहरी बातें कर जाती है। हेलो, है ना? सजेस्टिव। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं जुबैर शाह कर रहा हूँ। जी जी जी, क्या कहेंगे? अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें, क्योंकि फिर आप टीवी का वॉल्यूम स्लो करें जुबैर, और फिर आप बात करें। जी जी जी, एक अपना स्लो कर दी। अच्छा खैर, मैंने बात ये करनी थी कि मैं 26 साल से दुबई में काम कर रहा हूँ। कहाँ? दुबई में। दुबई में, दुबई में, माशाल्लाह, वेरी गुड। जी, तो खैर बात का प्रोग्राम का तो मैं फैन हूँ, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम अच्छे अच्छे टॉपिक पे आते रहे हैं, शुक्रिया जी। अच्छा अच्छा भाई साहब, बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि मैं 26 साल से जब दुबई में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर 0% यानी करप्शन है, और ये 71 में ये कंट्री जो है ना स्टैंड में हुआ है 71 में, आज उस कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीजें यानी बिल्डअप हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त है, सही, ठीक है। और उस कंट्री में यानी नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में हमारे कंट्री में देखा जाए तो यानी इस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज। सर, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि वहाँ हुक्मरानों की नीयतें अच्छी हैं। बिल्कुल, यहाँ हुक्मरानों की तबीयतें अच्छी हैं, ये फर्क। रंगीन है, रंगीन है, शोक मिजाज है हमारे यहाँ, लेकिन ये कि वो दुबई की अगर बात करें, हम यूएई की बात करें, तो वहाँ के जो हुक्मरान है वो वहाँ की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपना घर की बेहतरी चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं चाय टाइम।